हमारी माता बहनों को बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है कि उनके पीठ में दर्द रहता है, लगातार बना रहता है, लकोरिया की शिकायत रहती है, लकोरिया जैसे सफ़ेद पानी का आना। आज इसके लिए एक अचूक मेडिसिन की बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष गोस्वामी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके चैनल मेडिसिन ज्ञान में। दोस्तों हम बात करेंगे सुपारी पाक की। सुपारी पाक एक अचूक औषधि है, आज इसके बारे में बताएंगे। सुपारी पाक है क्या, किस काम आती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस किस स्ट्रेंथ में आती है, ये किन किन चीज़ों से मिली होती है, और ये आपको किस तरीके से लेनी है, कहाँ ये अवेलेबल मिलेगी, आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों बात करते हैं सुपारी पाक। सुपारी पाक एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये लेडीज के लिए स्पेशली बनाई गई है, बट ऐसा नहीं है कि इसको लेडीजों को ही लेना है, ये पुरुष भी आराम से इसको ले सकते हैं। बात करते हैं सुपारी पाक किन किन चीज़ों से बनी हुई है। जैसे कि सुपारी पाक, सुपारी नाम, सुपारी स्पेशली इसमें डली हुई है। मुनक्का है, बादाम है, मुनक्के के बीज है, जायफल है, काली मिर्च है, सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है और शतावरी है, और बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि क्या क्या इसमें डला हुआ है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किन किन कंपनियों की आती है। स्पेशली दोस्तों ये बैद्यनाथ की आती है, बैद्यनाथ की सुपारी पाक, डावर कंपनी की आती है, डावर की सुपारी पाक के नाम से, और ये हमदर्द कंपनी की आती है, हमदर्द की सुपारी पाक के नाम से। बैद्यनाथ की जो आती है ये 125 ग्राम का पैक आता है, और डावर का भी 125 ग्राम का पैक आता है, और बैद्यनाथ का बात करें बैद्यनाथ की भी 125 ग्राम का आता है, और हमदर्द का 150 ग्राम का इसका पैक आता है। इसके पैक वेरी टू वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं कि किसी कंपनी का ज़्यादा क्वांटिटी का भी आता है। और दोस्तों ये सुपारी पाक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसको आप इजीली ले सकते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों लोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके प्राइस की, ये 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक अवेलेबल होती है मार्केट में, और आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि बताया कि लेडीजों के लिए एक बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करती है। अब बात करते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। वैसे तो इसके फायदे अनगिनत हैं, जिनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण फायदे हैं, ये माताओं बहनों के कमर में दर्द में अचूक काम करती है, क्योंकि माता बहनों को लुकोरिया की एक जो कि क्या नाम है सफ़ेद पानी, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा काम है। दोस्तों माताओं बहनों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल मंथली अगर डिस्टर्ब हो गई है, या कुछ डिस्टरबेंस है, रुक रुक के आना या मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, वहाँ पे भी माताएं बहनें इसको ले सकती हैं। ये बहुत अच्छी फायदेमंद औषधि है। दोस्तों ये कंप्लीट स्वास्थ्य को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और सभी बीमारियों में ज़्यादातर फायदेमंद है। इसका एक और बहुत अच्छा फायदा है, जैसे कि कुछ माता बहनों को सर में दर्द की समस्या रहती है, जिसको माइग्रेन भी कह देते हैं। दोस्तों उस पर भी आगे वीडियो आने वाली है, जल्दी में ही उस पर वीडियो देंगे, और लुकोरिया और कमर दर्द के ऊपर भी एक अपनी वीडियो आएगी, उसमें भी इसके अचूक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। अगर महिलाएं इसे 1.5 से 2 महीने लगातार लेती हैं, और इसके रिजल्ट जो मिलेंगे दोस्तों वो 1 महीने के बाद ही आपको मिलेंगे, उससे जल्दी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये ग्रेनुलस फॉर्म में आती है। ग्रेनुलस को लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको चबाना है मुंह से, और ऊपर से दूध लेना है, और सुबह शाम 1 चम्मच या 2 चम्मच, आप अगर माता बहन कम लेना चाहें तो 1 चम्मच मिनिमम, 2 चम्मच इसको मैक्सिमम लेना है, सुबह शाम लेना है, दूध से लेना है, और इसके ग्रेनुलस फॉर्म में आती है, इसको चबा के लें तो बहुत ही अच्छा फायदा करेगी। अब बात करते हैं इसके और बेनिफिट की। आपने जैसे देखा इसको यूट्रस, यूट्रस में जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये यूट्रस में मजबूती का काम करती है। ये एक तरह की बांझपन की भी मेडिसिन है। बांझपन में अगर जो माता बहनें इसको 3 से 6 महीने लगातार लेती हैं, तो ये बांझपन की शिकायत भी इससे दूर हो सकती है, और ये इनफर्टिलिटी की भी एक अचूक दवा है। इसको मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों में ही इसको लिया जा सकता है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जिनमें फेवरेट जो ब्रांड सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली है वो वैद्यनाथ की सुपारी पाक है, डावर की सुपारी पाक है,
और हमदर्द की सुपारी पाक है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि इजीली महिलाएं इसको ले लेती हैं। और दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा। मैंने इसीलिए इस चैनल को बनाया है कि मैं कई बार ऐसा हो जाता है कि रात को हमें कोई परेशानी हो जाती है, जैसे सर दर्द हो गया, फीवर हो गया, डायरिया हो गया, कमर दर्द हो गया, और हमें दवाई का ज्ञान नहीं होने की वजह से, दवाई हमारे घर पे रहती है फिर भी हम ले नहीं पाते हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है कि मेडिसिन से जरूरी हुई हर जानकारी आपको दे सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।